एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों तक इस बीच पहुंचाना चाहूंगा। दूसरा जो खेमा है यानी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां भी जबरदस्त हलचल है। जानकारी यह मिल रही है कि आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। आज देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आपको पता है कि एग्जिट पोल को कांग्रेस पूरी तरीके से खारिज कर रही है और फैंटेसी पोल तक इसे नाम दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से। कहा यह जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जिक्र किया कि 295 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं और सरकार उन्हीं की बनेगी। मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ जैनेन्द्र इस वक्त जुड़ गए हैं, कांग्रेस की खबर आप तक हमेशा पहुंचाते हैं। जैनेन्द्र, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? बिल्कुल अखिलेश, एग्जिट पोल आने से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया कि 295 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। एग्जिट पोल तो तकरीबन 6:30 के बाद जारी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उससे कुछ घंटे पहले ही 295 का आंकड़ा पेश कर दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि एग्जिट पोल की तस्वीर क्या होने वाली है, इसलिए पहले ही कांग्रेस ने अपना एक आंकड़ा सामने रख दिया। कल राहुल गांधी ने भी 295 का आंकड़ा रिपीट किया। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में प्रोजेक्ट किया गया है 350 से ज्यादा सीटें एनडीए को, बीजेपी 300 पार, कहीं ना कहीं इससे मनोबल टूटेगा उसके कार्यकर्ताओं का, उसके इलेक्शन एजेंट का। और बहुत जरूरी है कि 4 जून को जब इलेक्शन एजेंट काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएं वो हौसले के साथ जाएं, मनोबल के साथ जाएं। और यही वजह है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने देश भर के कांग्रेस के प्रत्याशियों की बैठक ली थी। उन्हें कहा था कि एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, अंत तक काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए। कल चुनाव आयोग भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एक प्रतिनिधिमंडल गया था और आज उसी की कड़ी में देश भर की राजधानियों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एग्जिट पोल को नकारेंगे और अपनी तरफ से दावा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और ये सब कुछ अखिलेश माइंड गेम है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट के मन में हौसला देने की है कि हमने अभी लड़ाई हारी नहीं है, हमें 4 जून को काउंटिंग सेंटर पर बिल्कुल हौसले के साथ पहुंचना है। अब देखना यही है कि कांग्रेस को ये जो रणनीति है इससे कितना लाभ मिलता है कल। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जैनेन्द्र, माइंड गेम। राजनीति में दरअसल इसका भी बड़ा महत्व होता है। दर्शकों को हम दिखाते हैं दोनों तरफ से किस तरीके से दावों का दंगल जारी है, देखिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने, 295? तो पहले से कह रहे तो हम तो 400 तो पार हो ही रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जब हारते हैं ईवीएम से हारते हैं, जब हारते हैं इलेक्शन कमीशन से हारते हैं, जब हारते हैं और मीडिया के कारण हारते हैं, जब जीतते हैं नकली गांधी परिवार जिताते हैं। पोल नहीं है, ये सरकारी पोल है, ये मोदी पोल है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एग्जिट गारंटीड है 4 तारीख को, उन्होंने ये एग्जिट पोल कराया है। ये फर्जी एग्जिट पोल है। ये आंकड़े कहाँ से आए हैं? उन्हीं के कार्यालय, उन्हीं के मन से आए होंगे। तो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने ये एग्जिट पोल कराए हैं, इसमें कोई विश्वास नहीं कर सकता। जमीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत है। अरे एग्जिट पोल आया है, पहले तो आपने कह दिया डिबेट में कोई नहीं जाएगा, वहीं पता चल गया आप गए। लेकिन आप एग्जिट पोल करने वाले लोगों की मेहनत को कौन कितना समय जाता है, पूछताछ करता है? एग्जिट पोल आपको नहीं मानना है, मत मानिए। स्टेशन राहुल गांधी का ये बता रहा है कि राहुल गांधी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सकारात्मक रास्ते पे नहीं चल सकते, न तो जनता की पसंद हो सकती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।